आई एम योगेश कुमार जैन, लेक्चरर एट गवर्नमेंट वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत स्कूल रामसिंहपुरा सांगानेर जयपुर। इन माय फर्स्ट वीडियो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द एडवर्टाइजमेंट एंड इट्स टाइप। टुडे वी विल टेक सम एग्जांपल्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट एग्जांपल ऑफ मैट्रिमोनियल। मिस्टर रमेश शर्मा इज लुकिंग फॉर ए ब्राइड फॉर ए सन। श्रीमान रमेश शर्मा अपने पुत्र के लिए एक वधु की तलाश कर रहे हैं। ब्राइड माने वधु। राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द मैट्रिमोनियल कॉलम ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर। हमें एक विज्ञापन एक अखबार के मैट्रिमोनियल कॉलम में प्रकाशित करना है। मैट्रिमोनियल कॉलम शादी संबंधी कॉलम होता है, जिसको हम पहले वीडियो में अच्छी तरह बता चुके हैं। सबसे पहले आंसर लिखने के लिए कॉलम मैट्रिमोनियल शब्द लिखते हैं कैपिटल लेटर में। इसके बाद हमें ब्राइड की आवश्यकता है, ब्राइड वांटेड, ये भी कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अब इसकी जो मेन बॉडी होती है उसको स्टार्ट करते हैं। वांटेड सूटेबल मैच फॉर ए स्मार्ट हैंडसम शर्मा बॉय। एक उपयुक्त जोड़ा, एक सुंदर शर्मा लड़के के लिए चाहिए। अब इसमें चूँकि रमेश शर्मा दिया हुआ है, इसलिए हमने कास्ट शर्मा बॉय लिखा है। यदि इसकी जगह रमेश जाट, रमेश जैन या रमेश पंजाबी होता तो इसकी जगह जाट बॉय, शर्मा बॉय या पंजाबी बॉय या जैन बॉय लिख सकते थे। इसके बाद एज 25 5 फुट 6 इंच, यानी लड़के की उम्र 25 वर्ष और हाइट उसकी 5 फुट 6 इंच। फिर इसकी योग्यता एमएससी बीएड, यानी वो एमएससी बीएड किए हुए है। फिर उसका जॉब क्या काम करता है, परमानेंट लेक्चरर इन ए गवर्नमेंट स्कूल, वो एक स्थाई प्राध्यापक है एक सरकारी विद्यालय में। ये लड़के के बारे में जानकारी दे दी गई। इसके बाद में हमें उसके लिए वधू की तलाश है। अब हम लड़की के बारे में जानकारी देंगे। लुकिंग फॉर ए रियली ब्यूटीफुल स्लिम एंड वेल एजुकेटेड गर्ल फ्रॉम रेपुटेड फैमिली। लुकिंग फॉर ए रियली ब्यूटीफुल स्लिम एंड वेल एजुकेटेड गर्ल, और वह एक सुंदर, स्लिम माने होती है दुबली पतली, और अच्छी पढ़ी लिखी लड़की की तलाश कर रहे हैं, जो कि रेपुटेड फैमिली, एक प्रतिष्ठित परिवार से होनी चाहिए। राइट विद कंप्लीट बायोडाटा विद फोटो टू रमेश शर्मा। अब हमें पूर्ण बायोडाटा के साथ में, जिसमें फोटो साथ हो, रमेश शर्मा को लिखना है। बायोडाटा में लड़के या लड़की की पूरा विवरण आ जाता है, जैसे लड़के का नाम, जन्मतिथि, कितना पढ़ा लिखा है और उसको पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करते हैं, परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबका हम उसमें दे सकते हैं। इसके बाद पोस्ट नंबर 25 राजस्थान पत्रिका झालाना जयपुर, ये राजस्थान पत्रिका का एड्रेस है, क्योंकि हमें लोकल न्यूज़पेपर में देना है इसलिए पत्रिका का हमने एड्रेस लिख दिया। इस तरह हमारा ये एडवर्टाइजमेंट समाप्त होता है। फिर इसके बाद में इसको चारों तरफ से लाइन खींच करके इसको बंद कर देते हैं। यदि ये हमने बंद नहीं किया तो हमारे इसमें कुछ मार्क्स काट लिए जाएंगे। इसके बाद में दूसरा उदाहरण हम शुरू करते हैं। वी वांट टू परचेज ए फ्लैट, हम एक
फ्लैट मकान खरीदना चाहते हैं विद थ्री रूम्स, जिसमें तीन कमरे होने चाहिए, इन प्रताप नगर जयपुर, और वह मकान प्रताप नगर में होना चाहिए। इट इज सोड प्रिफरेबली बी ऑन द ग्राउंड फ्लोर, और हम भूतल या निचली मंजिल को वरीयता देना चाहते हैं। यू कैन पे अप टू ₹30 लाख, और आप इसके लिए 30 लाख तक का भुगतान कर सकते हैं। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट गिविंग डिटेल्स ऑफ योर रिक्वायरमेंट, अब हमें ये एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है अपनी आवश्यकता के अनुसार, उसमें पूर्ण विवरण देते हुए। अब इसका आंसर लिखते हैं। फर्स्ट लाइन में यू वांट टू परचेज ए फ्लैट, तो हमें एक फ्लैट खरीदना है, तो इसका हेडिंग हो जाएगा टू परचेज ए फ्लैट, प्रश्न में से हमने ये ले लिया, और इसको हमें कैपिटल लेटर में लेना है। इसके बाद इसका पहली लाइन में ये हेडिंग लिखने के बाद दूसरा शुरू करते हैं। वांटेड ए फ्लैट, अभी प्रश्न में से ही ले रहे हैं इस चीज़ को। वांटेड ए फ्लैट विद थ्री रूम्स इन प्रताप नगर जयपुर, एक फ्लैट तीन कमरों वाला प्रताप नगर में चाहिए, प्रेफरेबली ऑन ग्राउंड फ्लोर, और यह भूतल पर होना चाहिए। पेबल अप टू ₹30 लाख, और हम इसके लिए 30 लाख रुपए पे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रश्न में से सेम टू सेम लगती। अब इसमें हम अंत में कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर, इसमें किससे संपर्क करना है उसका हम मोबाइल नंबर देना है। इसके अतिरिक्त पता भी लिख सकते हैं या दोनों में से एक भी लिख सकते हैं। अंत में इसे एक कॉलम में चारों तरफ लाइन खींच करके बंद करना है। इस प्रकार हमारा ये दूसरा प्रश्न का आंसर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।